बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन करवाने जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? और लगातार देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर भी अब शुरू हो गया है, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बीसीसीआई के द्वारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज बायलैटरल सीरीज का एक मैच जो है वो हमें 12 मार्च को आयोजन करने के लिए दिया गया है। उस मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की मैनेजमेंट और सभी पदाधिकारियों ने अपनी जो अग्रिम तैयारी है वो शुरू कर दी है। उसके लिए अलग मैच के आयोजन के लिए जो हमें अलग अलग कमेटीज़ का गठन करना होता है, अपनी प्रशासन ने उन कमेटियों का गठन कर दिया है और उस कमेटियों के गठन के पश्चात वो कमेटियाँ अपने स्तर पे अपनी बैठकों का आयोजन कर और बेसिक रूप से जो बेसिक हमें आधारभूत ढांचा इस मैच के सफल आयोजन के लिए चाहिए उस सब के लिए वो कार्यरत लगी हुई हैं। और आज भी 2-3 बैठकों का आयोजन हुआ है और उस बैठकों की वो ब्रीफिंग जो है एचपीसीए पदाधिकारियों को दी गई है, उसके अनुरूप उस बैठकों का जो पूरा नटशेल रिजल्ट जो लेकर के वो निकले हैं उसको हम क्रियान्वयन करने में आगे काम करेंगे। सर, इस बार विशेष तैयारियां क्या क्या रहेंगी इस मैच को लेकर, क्योंकि पूर्व में बारिश ने एक लल डाल दिया था, तो इस मरतबा एचपीसीए की विशेष तैयारियां क्या हैं? विशेष तैयारी के मायने आपका मुझे जो लगता है प्रश्न इस संदर्भ में है कि पिछली बार मैच के अंदर बारिश के कारण खलल पड़ा था, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने पूर्व की भांति जिस प्रकार अनुराग सिंह ठाकुर जी के समय में यहाँ पे यहाँ के आराध्य देवता इंद्रू नाग जी हैं उनके लिए उनके आराधना के लिए और उनका पूजन के लिए हमने 7 मार्च को अपना भंडारा और यज्ञ रखा है, क्योंकि किसी भी हम जिस समाज से आते हैं सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं तो अपने देवी देवताओं का याचना करना हमारा परम कर्तव्य रहता है और धर्मशाला के अंदर इंद्रू नाग देवता का एक जो याचना है और उनके पास जो उनका जो वंदन है वो एक परंपरा है, उस परंपरा को हम निरंतर रूप से निभाएंगे और बढ़िया ढंग से उसको करने का प्रयास करेंगे और जो पूर्व में हमसे यदि कोई गलती हुई है उस गलती की हम क्षमा याचना भी करेंगे और चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर के मैच होना चाहिए, मैच से जो है यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को उसका लाभ होगा, स्थानीय लोगों को लाभ होगा और कहीं ना कहीं क्रिकेट के विस्तार में भी उस चीज़ का लाभ मिलता है, तो वो सब चीज़ों को हम ठीक ढंग से करने का प्रयास करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से सफल भी होंगे। और आप सब मीडिया के मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब भी इस मैच को एक पर्व की भांति लें, क्योंकि आप सबके सहयोग से भी हिमाचल प्रदेश का और विशेष रूप से धर्मशाला का नाम बनेगा और कहीं ना कहीं ये पर्यटन की नगरी भी है और खेल पर्यटन के साथ इसको अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जोड़ा भी है। हम सब मिलकर के इस मैच का सफल आयोजन में एक दूसरे के सहभागी बने, ये मेरा निवेदन आपसे भी है और स्थानीय लोगों से भी है और इसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे ऐसी मुझे अपेक्षा भी है। 7 तारीख को अनुराग ठाकुर जी नहीं, अनुराग ठाकुर जी क्योंकि कन्फ्लिक्ट अनुराग ठाकुर जी हमारे आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ पिछले कल हमने उनको निमंत्रण दिया इस मैच के लिए, अब ये वर्तमान मैनेजमेंट जो एचपीसी है उसका दायित्व बनता है कि 7 तारीख का जो यज्ञ है या इंद्रू नाग जी देवता का जो वंदन है जो करना है हमने वो हमें स्थानीय हम सब लोगों को करना है, जो प्रेजेंट हमारा एचपीसी का मैनेजमेंट है उसको करना है। अनुराग ठाकुर जी को हमने मैच के लिए निमंत्रण दिया है मुख्यमंत्री के साथ साथ। अगर बारिश होती है बाई चांस, क्योंकि इस बार मौसम ज़्यादा खराब रह रहा है, तंग कर रहा है, ये तो एक धार्मिक आस्था और यहाँ के पीठासीन देवता इंद्रू नाग के बारे में आपने बताया जी। लेकिन एचपीसीए ने तकनीकी तौर पर मतलब अगर बारिश होती है तो उससे निपटने के लिए क्या विशेष प्रबंध है? हमारा उसके लिए जो बेसिक जो आधारभूत ढांचा रहता है वो हमारी उसकी तैयारियां पूरी हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है, उन चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया है और वो हमारी तरफ से ठीक है, बाकी हमारे के ऊपर प्रभु कृपा रहे बनी रहे वो सबसे बड़ी जरूरी है क्योंकि यहाँ वो हमारे लिए आराध्य हैं। सर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तो निमंत्रण जो है एचपीसीए ने दे दिया, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोई और वीआईपी भी जो रहेंगे बीसीसीआई पदाधिकारियों को भी निमंत्रण देंगे, बीसीसीआई अध्यक्ष, बीसीसीआई उपाध्यक्ष, बीसीसीआई सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन सबको भी निमंत्रण देंगे कि वो भी हमारे इस बायलैटरल सीरीज के मैच में आएं, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को उन सबका भी यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करने का सौभाग्य मिलेगा और उनके सानिध्य में मैच होगा तो और कुछ चीज़ें होंगी किस प्रकार से इम्प्रूव करने वाली होंगी और कुछ जोड़ने का कुछ होगा तो वो सब भी जानकारी उन सबसे साझी भी होगी, वो हमारे लिए एक बड़ा उत्साहवर्धन का रहेगा। सर, स्टूडेंट के लिए पहले जो एचपीसीए एक विशेष छूट देती थी टिकटों की खरीदारी के लिए, लेकिन इस मरतबा टिकटों की प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी गई है और स्टूडेंट के लिए अभी तक कोई विशेष पैकेज एचपीसीए की ओर से नहीं है, जबकि धर्मशाला के युवाओं को इस चीज़ की आस रहती थी कि भाई वो उनका ये होम ग्राउंड है और उन्हें ये विशेष सहूलियत अनुराग सिंह ठाकुर के समय से मिलती आ रही है, लेकिन वर्तमान मैनेजमेंट
ऐसा ना कर नहीं कर रही है, उसके क्या कारण? आपने ये विषय ध्यान में लाया कि अनुराजी के समय में ऐसा होता था, तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, आपका धन्यवाद और आभार। भविष्य में इस चीज़ को ऐसा करना पड़ेगा तो ठीक करेंगे। वर्तमान में जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है और आप सबके सहयोग से मैं कह रहा हूँ ठीक होगा।